नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। देश भर में आज 26 जुलाई कारगिल दिवस की 24वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मई 1999 में पाकिस्तान की सेना ने अपने लगभग 500 से सैनिकों के साथ भारतीय सीमा में घुसपैठकर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लगभग ढाई महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने जीत का तिरंगा लहराया और 26 जुलाई 1999 को अपने विजय की घोषणा की। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस जीत के बदले भारत को अपने कई वीर सपूतों की कुर्बानी देनी पड़ी। कारगिल युद्ध के दौरान रवीना टंडन, सलमान खान, धर्मेंद्र सहित फिल्मी जगत के कई दिग्गज सितारे भारतीय सेना के इन जाबाजों से मिलने गए। कारगिल युद्ध से अभिनेत्री रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित का गहरा नाता है। युद्ध के दौरान इन अभिनेत्रियों से जुड़ा एक काफ़ी दिलचस्प किस्सा मशहूर है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने तो एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम अपनी मिसाइल पर लिख डाला था। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा माजरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस वक्त कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी कि साल 1999, उस वक्त रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार थी। दुनिया भर में इनके करोड़ों चाहने वाले थे। ऐसे में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना को इन एक्ट्रेस के नाम लेकर उकसा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक कह रहे थे कि रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे वो कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे। पाक सेना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने एक मिसाइल तैयार किया। इस मिसाइल पर लिखा था, नवाज शरीफ को रवीना टंडन की तरफ से भेंट। इसके साथ दिल और तीर का निशान भी बनाया गया था। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना ने कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। एक इंटरव्यू में रवीना ने बताया कि उन्हें इस वाकई के बारे में बहुत बाद में पता चला था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।